सी कॉमन निकाला, आयोटा, ओहो गलत हो गया, चेक करती हूँ अभी। ये इस तरह से आएगा, ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी सी माइनस डी, और ये आ जाएगी ई आयोटा की। इसमें अगर कोई माइनस साइन की मिस्टेक आ रही हो तो वो आप खुद ही सही कर लीजिएगा, वैसे मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक हो रहा है साइन, एक पॉजिटिव नेगेटिव और ये सारे नेगेटिव के साथ बाहर, और ये माइनस आ गया। ठीक है, इस तरफ है एफ माइनस ए, एफ माइनस ए ई रेस्ट्रो माइनस के ए बाई टू। अच्छा, अब ये इक्वेशन जिस तरह से आई है ना, इसको कह दें फॉर एग्जांपल इक्वेशन फाइव। अब आपने टू और फोर जो इक्वेशन थी उनको एक, अच्छा ये थ्री माइनस वन आई है, अब आपने थ्री प्लस वन करना है, ये भी आप देख लीजिए। थ्री प्लस वन करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, जब आप थ्री प्लस वन करेंगे तो ये देखें, ये साइड ऐड हो जाएगी, ए प्लस एफ और ई रेस्ट्रो माइनस के ए बाई टू, और उसके साथ आपके पास इधर वाली साइड्स भी ऐड होके आ जाएंगी, सी ई एस पर आयोटा के वन ए बाई टू प्लस डी माइनस आयोटा के वन ए बाई टू प्लस सी ई एस पर आयोटा के वन ए बाई टू प्लस डी ई एस पर माइनस आयोटा के वन ए बाई टू। और इसमें अब आपने क्या करना है, सी कॉमन निकाल लेना है, ई एस पर आयोटा के वन ए बाई टू प्लस ई एस पर आयोटा के वन ए बाई टू, और प्लस बी कॉमन निकालेंगे तो ई एस पर माइनस आयोटा के वन ए बाई टू की, एक मिनट एक मिनट, ई एस पर माइनस आयोटा के वन ए बाई टू। हाँ जी, आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या बना दो, बना दो, बना दो। हाँ मैं आ रही हूँ अभी। ओके, सी मैंने कहाँ पे मिस्टेक की हुई है, जो प्लस, अच्छा ये माइनस है और ये प्लस है आई थिंक। बहरहाल ये इस तरह की मिस्टेक आप चेक कर लीजिएगा, ये बीच में हो सकती थी। मैं बुक से दोबारा देख लेती हूँ कि अगर कहीं पे, ठीक है, हाँ जी ये माइनस आना था, ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस। अब इसको दोबारा कर लेते हैं, ये हो जाएगा सी ई एस पर माइनस आयोटा के वन और डी प्लस, और साथ प्लस सी ई एस पर आयोटा प्लस और डी वाला नेगेटिव। ठीक है, अब जब इसमें से लेंगे ये एक नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी तरह से डी कॉमन आएगा तो एक पॉजिटिव हो जाएगा माइनस एक नेगेटिव हो जाएगा। अब ये ठीक हो गया, तो अब ये ब्रैकेट वाली टर्म्स भी सेम हो गई हैं, वी कैन राइट इट एज सी प्लस डी और ई रेस्ट पावर आयोटा के वन ए बाई टू, और हाँ जी ठीक है। और ये सारा प्लस आना है, इस यहाँ भी प्लस, तो अब ये एक जैसे हो जाएंगी टर्म, आयोटा के वन ए बाई टू और प्लस ई रेस्ट्रा माइनस आयोटा के वन ए बाई टू। ठीक है, और ये इस तरफ है ए प्लस एफ ई रेस्ट्रा माइनस के। अच्छा, अब मैं इन दो इक्वेशंस को, इनको नया नाम दे दें कोई, और इकट्ठा करके लिख देती हूँ, वो ये इक्वेशन फाइव है और ये इक्वेशन सी प्लस डी ई रेस पर आयोटा के वन ए बाई टू प्लस ई रेस पर माइनस आयोटा के वन ए बाई टू, ये इक्वेशन सिक्स। अच्छा, ये अब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग से दो मजीद इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसी तरह से
एक बार आपने इक्वेशन टू, जो पीछे हमने फोर सेट ऑफ इक्वेशंस निकाले थे, दो हमने इस्तेमाल के लिए थे, दो अभी हम इक्वेशंस हमने नहीं इस्तेमाल की, उसमें आपने टू और फोर को एक बार ऐड कर देना है। ये सातवीं इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, और एक बार आपने टू फोर माइनस टू कर देना है तो ये आठवीं इक्वेशन आ जाएगी। तो ये चार और इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी। अब ये सातवीं और आठवीं इक्वेशन जो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के बाद हमारे पास आई है, अब मैं देख लूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। चलें ठीक है, हम इसको बाकी कल करते हैं।